Honorable Chief Minister of Karnataka. 3. Basavaraj Bombay. 3. Ajay Bhatt. Raksha Rajya Mantri. Girdhar Armane, Defense Secretary. Srimati Vandita Sharma, Chief Secretary Karnataka. Dr. EVM Ramanna Reddy, Additional Chief Secretary. Sri Gaurav Gupta, Additional Chief Secretary. Sri T. Natarajan, Additional Secretary, Defense Production. Sare Senior Officers, Officials, Mere Media Ke Mitro, Devyo Sajjano. Ellarigu Namaskara. Sabse pehle, to main apni taraf se aap sabka swagat karta hoon. Aur shayad किसी एरो इंडिया शो में दूसरी बार आप सबके लोगों के बीच मैं यहां पर मौजूद हूं. सबसे पहले मैं कर्नाटका के महान फिलासफर और सोशल रिफॉर्मर भगवान बसवेश्वर को नमन करता हूं, जिन्होंने सदियों पहले कर्नाटका समेत पूरे देश में नवीन विचारों का और चेतना का प्रसार किया. मैं कर्नाटक के महान शूरवीर कंपा गोड़ा की स्मृति को भी मैं नमन करता हूं, जिनके द्वारा स्थापित यह बेंगलुरु आज पूरे देश का एक गौरव है. मैं यहां मौजूद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सभी साथियों का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को इस्टीम्ड प्रेजेंस इस इवेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के माध्यम से देश विदेश के लोग इस इवेंट के बारे में जान सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. आप सभी की यहां पर उपस्थिति इस इवेंट की सक्सेस का एक प्रायर इंडिकेशन है. मित्रों, मैं मानता हूं कि यह बहुत ही हर्ष का दिवस है, जब पिछले कई महीनों की मेहनत आज रंग ला रही है. हमारे अब तक के इस सफर में जिन जिन सहयोगियों का योगदान है उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं. मैं कर्नाटक के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज जी बुम्बई को धन्यवाद देता हूं, जिनकी लीडरशिप में राज्य सरकार का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है. मैं डिफेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के ऑफिशियल्स को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, जिनके कारण इतना बड़ा आयोजन बेंगलुरु की धरती पर होने जा रहा है. मैं धन्यवाद देता हूं बेंगलुरु की सभी अथॉरिटीज को, जिन्होंने बहुत गंभीरता से इस कार्यक्रम को मैनेज कराने में हमारा पूरा सहयोग किया है. मैंने देखा कि इवेंट से संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं, वे चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हों, पुलिस की हों, म्युनिसिपल अथॉरिटीज की हों, तमाम क्लियरेंसेस की हों, सिक्योरिटी की हों या फिर ट्रैफिक की हों, अच्छी तरह से पूरी कर ली गई हैं. इसके लिए मैं एयरो इंडिया शो की पूरी टीम, मैं उन सभी लोगों को जो इस इवेंट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी रूप में जुड़े हैं, मैं धन्यवाद देता हूं. साथियों, एयरो इंडिया शो के कई एडिशंस को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए देश का आईटी कैपिटल यह बेंगलुरु यह बधाई का पात्र है और उसी कड़ी में बेंगलुरु 13 से 17 फरवरी 2023 को एयरो इंडिया का 14th एडिशन आयोजित करने जा रहा है. जैसा कि हम जानते हैं कि एयरो इंडिया शो एक प्रमुख इंटरनेशनल बायनियल इवेंट है, जिसमें कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, आर्म फोर्सेस के प्रमुख और हाई लेवल मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस ये शामिल हो रहे हैं. इसके अलावा वर्ल्ड लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस पर्सन्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं. यह आयोजन देश में एरोस्पेस और एविएशन सेक्टर के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है. इसके साथ ही आज के संदर्भ में यह माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्किल और कैपेबिलिटी को डिस्प्ले करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है. साथियों, एयर इंडिया शो 2023 के रूप में हमने एक बड़े इवेंट की कल्पना की थी, पर आप सबको यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड, उससे कहीं ज्यादा भव्य इवेंट यहां आयोजित होने जा रहा है. इसकी भव्यता का अंदाजा आप सभी इसी इवेंट में आने वाले पार्टिसिपेंट्स की संख्या को देखकर लगा सकते हैं.
जैसा कि आप सबको बतलाया गया है कि लगभग 100 फ्रेंडली कंट्रीज और 800 से अधिक एग्जीबिटर्स के साथ यह देश का अब तक का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो है। इसके आयोजन का सौभाग्य कर्नाटक प्रदेश को मिला है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के समस्त नागरिक यहां के बधाई के पात्र हैं। मित्रों, कर्नाटक हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाले राज्यों में सबसे अग्रणी राज्य है और यह राज्य अपनी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स और रोबस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए आज से नहीं बल्कि पहले से जाना जाता है और यह मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों के लिए डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल डिफेंस और एविएशन कंपनीज का प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है। इसमें कई डिफेंस पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे BML, DRDO, इसरो, ISC, महिंद्रा एयरोस्पेस, एयरबस, बोइंग आदि सभी शामिल हैं जो कर्नाटका को भारत में एयरोस्पेस इंडस्ट्री के एक अग्रणी राज्य बनाती हैं। बेंगलुरु आज देश के IT और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल के रूप में हमारे सामने है। आने वाले समय में यह समस्त विश्व के डिफेंस एंड एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र के रूप में हमारे सामने होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस महोत्सव में फ्रेंडली कंट्रीज का इतनी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन यह दिखाता है कि इन देशों के साथ हमारा संबंध केवल बायर और सेलर वाला ही हमारा यह संबंध नहीं है बल्कि उनके साथ हमारे मन का और विचारों का भी रिश्ता है। इसी का परिणाम है कि एरो इंडिया शो का हर एक एडिशन अपने पिछले एडिशन का रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। मित्रों, आज जब हम विश्व की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पर अग्रसर हैं, मेरा मानना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी अचीव करते हैं उनका भारत की इकोनॉमी को बहुत व्यापक स्पिन ऑफ बेनिफिट प्राप्त होता है। डिफेंस सेक्टर में हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उनमें अनेक टेक्नोलॉजी सिविल सोसाइटी में भी समान रूप से उपयोगी होती हैं और साथ ही समाज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रति टेम्परामेंट पैदा होता है जो समाज और राष्ट्र की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी यह सहायक होता है। हमारा लक्ष्य एक वाइब्रेंट वर्ल्ड क्लास डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री बनाना है ताकि हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ राष्ट्र के कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लक्ष्य को भी हासिल कर सकें। यह इवेंट इस राह में आगे बढ़ने में भी हमारी मदद करेगा। साथियों, विंग्स ऑफ द फ्यूचर की थीम के साथ इंडिया पेविलियन इस इवेंट के आकर्षण का केंद्र होगा और यह पेविलियन नए भारत की सामर्थ्य, अवसरों और साथ ही साथ संभावनाओं से दुनिया को भी परिचित कराएगा। इसमें इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन होगा जिसमें एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स अपने अपने प्रोडक्ट्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे। यह पेविलियन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में भारत की इमर्जिंग कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने लाने में भी यह सहायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। एरो इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इस कॉन्क्लेव की थीम शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहांस्ड एंगेजमेंट्स इन डिफेंस यानी स्पीड यह रखी गई है और यह कॉन्क्लेव हमारे मित्र देशों के साथ बढ़ते डिफेंस कोऑपरेशन की हमारी जो गति को है उसको स्पीड प्रदान करते हुए अपनी थीम यानी स्पीड के नाम को सार्थक करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, CEO's राउंड टेबल भी एरो इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और यह इवेंट दुनिया के टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मिलकर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का भी यह अवसर प्रदान करेगा। स्टार्टअप मंथन हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए
हर बार एक यूनिक प्लेटफॉर्म साबित होता है और आज भारत दुनिया के उन लीडिंग कंट्रीज में शामिल है जहां पर कि स्टार्टअप्स के लिए सर्वाधिक फेवरेबल इन्वायरमेंट है। स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स की लगातार बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है। इस मंच के माध्यम से हमारे युवा डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई मैनेजमेंट, ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी, फ्यूचर फोर्सेस के लिए ऑटोनमस सिस्टम्स और अन्य इनोवेशंस में अपनी कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन कर सकेंगे और स्वयं और डिफेंस सेक्टर को सशक्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एयरो इंडिया एक और महत्वपूर्ण इवेंट इस एयरो इंडिया का है जिसका नाम है मंथन। जैसा कि इसका नाम है, यह देश के और बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में एक सूत्र में बांधने का कार्य करेगा जिससे वे सभी एक साथ मिलकर कार्य कर सकेंगे और आगे भी बढ़ सकेंगे। मुझे जानकारी दी गई है कि इस बार 250 से भी अधिक एमओयूज साइन होने जा रहे हैं और इसी तरह के और भी इवेंट्स हैं जो एयरो इंडिया की ग्रैंड्योर को बढ़ाएंगे और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कर्नाटका इस ग्रैंड इवेंट के होस्ट के तौर पर भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। साथियों, कर्नाटक में एयरो इंडिया शो के आयोजन का बड़ा लाभ यहां के यूथ को होने वाला है। इस शो में कर्नाटक में अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटी डिस्प्ले करता एक कर्नाटक पैवेलियन भी होगा। कर्नाटक में उपलब्ध अवसरों के प्रचार प्रसार से फायदा यह होगा कि बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स में अधिकांश इन्वेस्टमेंट्स की कर्नाटक में आने की संभावना होगी। इससे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। हमारा पूरा फोकस हमारे यूथ के फ्यूचर पर केंद्रित है। पहले क्या होता था कि युवाओं की डिग्री और उनके एम्प्लॉयमेंट के बीच कोई खास लिंक नहीं होता था। बढ़ती हुई डिग्रियां बढ़ती हुई बेरोजगारी का एक पैमाना बन चुकी थी और हम नहीं चाहते कि हमारे डिग्री होल्डर दर दर भटकें या फिर काम न मिलने की स्थिति में तबवर्षित हो जाएं। हम चाहते हैं कि अगर हमारा एक भाई बॉर्डर पर जाकर जवान बनता है सेना का और दूसरा भाई किसान बनता है तो तीसरा भाई श्रमवान बनकर नजदीकी उद्योग में अपना और अपने राष्ट्र का वह भविष्य संवारे। इसी धरती के एक महान सपूत भारत रत्न यम विश्वेश्वरैया कहा करते थे, द वे टू बिल्ड ए नेशन इज टू बिल्ड ए गुड सिटीजन। द मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन शुड बी एफिशियंट ऑफ गुड करेक्टर एंड पजेस ए रीजनेबल हाई सेंस ऑफ ड्यूटी। उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम एक और नई एजुकेशन पॉलिसी लाकर युवाओं में नॉलेज, स्किल और करेक्टर यह डेवलप कर रहे हैं, उन्हें हर प्रकार से इफिशियंट बना रहे हैं और दूसरी ओर देश में एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट भी हम तैयार कर रहे हैं। एयरो इंडिया यम विश्वेश्वरैया जैसे विजनरीज को भी एक हम्बल ट्रिब्यूट है। यह हम सब के लिए बेहद खुशी की बात है कि इस इवेंट के इनॉग्रल फंक्शन में हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। उनकी प्रेजेंस इस इवेंट को और अधिक गौरव प्रदान करेगी। मित्रों, मीडिया के साथियों से मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह आयोजन आपका भी उतना ही है जितना कि सरकार का या अन्य ऑर्गेनाइजेशंस का। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आपको डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के रूप में माना जाता है और यह इवेंट महज एक इवेंट नहीं है, एक एग्जीबिशन भर नहीं है, यह हमारे डिफेंस सेक्टर का, बल्कि मैं कहूं यह हमारे नए और सेल्फ रिलायंट इंडिया का शोकेस है, तो यह कहना भी एग्रीगरेशन नहीं होगा। आप लोगों से हमारी यह एक्सपेक्टेशन हो रहेगी कि इस इवेंट और इसकी एक्टिविटीज को आप लोग दुनिया के सामने एक बैलेंस्ड और पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करेंगे। यह आपका
कोऑपरेशन और सपोर्ट ही है जो इसे विजिबिलिटी प्रदान करेगा और इस आयोजन को सफल बनाएगा। मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी कहता हूं कि मीडिया का उद्देश्य किसी इवेंट का ट्रांसमिशन भर नहीं होता है, यह तो उसका एक बेसिक टास्क है ही, पर इससे कहीं आगे बढ़ते हुए मीडिया समाज में पब्लिक अवेकनिंग का भी कार्य करता है। आपके अंदर वह क्षमता है कि आप देश विदेश के जन जन को इस इवेंट से जोड़ सके। ऐसे में मैं आपको फोर्स मल्टीप्लायर और वॉल्यूम और रीच के एम्पलीफायर के रूप में भी मैं देखता हूं। आपके माध्यम से कन्याकुमारी से लेकर असम के कामरूप और कश्मीर के कठुआ तक के बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, यानी समस्त नागरिक एरो इंडिया से मन से जुड़ सकते हैं। आप सभी उन्हें हमारे डिफेंस सेक्टर में हो रही अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस से जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं। इस प्रोग्रेस के बारे में जब कोई बच्चा जानेगा, हो सकता है वह कुछ और नया करने के लिए इंस्पायर हो और आने वाले समय में हमारे देश को एक और डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर सतीश धवन या एक और डॉक्टर विक्रम साराभाई मिले, जो हमारे देश का नाम डिफेंस डोमेन में न्यू हाइट हमारे देश के नाम को दे सके। ऐसे में मैं आप सभी से पूरे कमिटमेंट से इस इवेंट को कवर करने और अधिक से प्रसारित करने का भी विनम्र निवेदन करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मीडिया टीम आपकी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बार फिर मैं कर्नाटका गवर्नमेंट और विशेष रूप से यहां के चीफ मिनिस्टर श्री बसवराव जी बम्बई, रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और एयरो इंडिया शो 2023 की पूरी टीम को बधाई और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिनके इन डेफिटेबल लेबर के कारण, अथक परिश्रम के कारण इतना बड़ा यह इवेंट यह संभव हो पा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है यह इवेंट न केवल पूरी तरह सफल होगा बल्कि भारत और विश्व के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।